नमस्कार सलाम, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। एंड आई एम प्रशांत, एंड हियर आर द मेजर स्टोरीज फॉर द डे। क्या है जनादेश 2019 का मतलब? क्या देश में बहुसंख्यकवाद स्थापित हो गया है? कश्मीर में टॉप मिलिटेंट कमांडर जाकिर मूसा एनकाउंटर में मारा गया। जासूसी के आरोप में खोजी पत्रकार जूलियन असांजे को हो सकती है 170 साल की सजा। ब्रेक्जिट पर सांसदों का साथ नहीं मिलने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने की इस्तीफे की घोषणा। सबसे पहले बात जनादेश 2019 की। जनादेश 2019 की तरह तरह से व्याख्या हो रही है और होती रहेगी, लेकिन इतना तय है कि ये जनादेश 2014 से अलग है, आंकड़ों के लिहाज से भी और विचार के स्तर पर भी। आंकड़ों की बात करें तो बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन आज जो फाइनल पिक्चर उभर कर सामने आई है उसमें बीजेपी ने अकेले दम पर 303 का आंकड़ा पा लिया है, पिछली बार से भी ज़्यादा। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें हासिल हुई थी। उधर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस केवल 52 पर सिमट गई है। उसकी स्थिति लगभग पिछली बार जैसी ही है। 2014 में कांग्रेस 44 सीटें हासिल कर पाई थी। यूपी में SP-BSP गठबंधन ने पहले से बेहतर किया है, लेकिन उम्मीद से बहुत कम। बिहार में तो RJD कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह फेल हो गया है। अब बात विचार की। यूपीए के 10 साल के शासन के बाद 2014 में आए बदलाव को एक सकारात्मक बदलाव की तरह देखा गया। उस समय बीजेपी के पास फिर एक बार की जगह अब की बार का नारा था और अच्छे दिन का सपना भी। हर साल 1 करोड़ से 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा, विदेशों से कालाधन वापस लाने का वादा और उसके जरिए सबके खाते में 15 लाख डालने का अनकहा वादा, यानी जिसे वास्तव में कहा तो नहीं गया लेकिन समझा समझाया जरूर गया। लेकिन इस बार क्या था? भले ही जीत को सबका साथ सबका विकास का नाम दिया जाए, लेकिन वास्तव में धरातल पर क्या था? ना सबका साथ ना सबका विकास। कुछ था तो सिर्फ बेरोजगारी, मॉब लिंचिंग, किसान आत्महत्या, नोटबंदी, GST और इस सबसे पैदा हुआ हाहाकार। वाकई जब बेरोजगारी अपने चरम पर है, नोटबंदी ने देशवासियों को लाइन में लगा दिया, GST ने व्यापारियों को तबाह बर्बाद कर दिया, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही थी, उनके आंदोलन बढ़ते जा रहे थे, कभी मुंबई कूच तो कभी दिल्ली कूच हो रहा था, इस कदर आंदोलन था कि राम मंदिर मुद्दा भी बेमानी हो गया था और बीजेपी को उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा था। छात्र, युवा, शिक्षक सड़कों पर थे, महिला अत्याचार में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी और गाय के नाम पर किसी को भी कहीं भी मार दिया जा रहा था। ऐसे में भी NDA को दोबारा सत्ता में लौटना और बीजेपी का पहले से भी बेहतर स्थिति में आना क्या बताता है? क्या मोदी का जादू फिर चल गया या बालाकोट काम कर गया? उग्र राष्ट्रवाद का मुद्दा चल गया कि देश में बहुसंख्यकवाद की राजनीति सफल हो गई? हालांकि अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सोचना और देखना कि देश आगे किस तरफ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही कही बातों कि मैं न बद इरादे से कोई काम करूंगा न बद नियति से कोई काम करूंगा, पर कितना खरा उतरते हैं कि क्या वे अपनी कही इस बात में वाकई विश्वास रखते हैं कि सरकार भले ही बहुमत से बनती है लेकिन देश सर्वमत से चलता है। अब बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर जाकिर मूसा सुरक्षा बलों ने के एनकाउंटर में ढेर हो गया है। वह आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े अंसार गजावत उल हिंद का चीफ था। सूत्रों के अनुसार कश्मीर घाटी में सेना को गुरुवार दोपहर पुलवामा के त्राल में जाकिर मूसा के मौजूद होने की जानकारी मिली। इस सूचना पर सेना की 42 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने यहां पर बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मुठभेड़ के दौरान वह मारा गया। देखिए कश्मीर से हमारे संवाददाता कामरान यूसुफ की यह खास रिपोर्ट।
In our international section, we first look at the case of WikiLeaks founder Julian Assange, who has been hit with 17 counts of espionage by the US Department of Justice. Due to this, he may face nearly 175 years in jail. Julian Assange is currently in prison, awaiting extradition hearings in London. Last year, a secret indictment was filed by a grand jury in the United States. On April 11th, when Julian Assange was arrested, the indictment was opened and it was revealed that he had been charged under the Computer Fraud and Abuse Act. From last year onwards, many organizations and activists had pointed out that the real intention of the US authorities was to charge Julian Assange with espionage, which would put him behind the bars for a long time. The latest news of the filing of charges has confirmed the suspicions of all activists and media organizations. This is a very unique case, as it is for the first time that a publisher has been hit with an espionage charge in the United States, where press freedom is protected by the First Amendment. Julian Assange was in the Ecuadorian embassy in London till April 11th, from where he was arrested by the British police after the government of Lenin Moreno decided to withdraw the asylum. This decision by the US Department of Justice has triggered condemnation around the world. Media organizations and journalists have said that this sets a very bad precedent. It is also important to note that the espionage charges which Julian Assange faces are primarily for publishing information about US war crimes. The charge against Assange is that he conspired with certain sources to release information which was sensitive. The source mentioned here is whistleblower Chelsea Manning, whose information was published by WikiLeaks under the Iraq and Afghan war logs. In our second story, we look at the resignation of British Prime Minister Theresa May. The Brexit controversy claimed the second Prime Minister when May announced today that she would resign as the head of the Conservative Party on June 7th. She is expected to continue as the Prime Minister of the country till mid-July, after which the party will elect a new leader. Theresa May had a very problematic tenure as Prime Minister as she tried to negotiate a Brexit deal which was not popular among any of her constituents. She succeeded David Cameron, who resigned after the Brexit referendum was passed. There were many controversies over the Brexit deal, the most important of which was the question of the customs arrangement at the border of Northern Ireland and Ireland. There were the hardline Brexiters who were determined that the UK should withdraw entirely from the European Union and that hardline customs separation should be placed at the border. On the other hand, certain sections were keen that some sort of arrangement be made with Ireland. Theresa May, after months of negotiations, managed to bring about a deal to the House of Commons, the British Parliament, but this deal was rejected by the greatest margin in the history of the Parliament. This was followed by multiple no-confidence motions against her, and her popularity had decreased immensely as both the Brexit sections and the anti-Brexit sections were unhappy with her prime ministership. Meanwhile, there was also another section from the left which was pushing for what is called Lexit, which would have meant Britain's withdrawal from the European Union and a greater emphasis on domestic spending for infrastructure and other welfare measures. It is now unclear what will happen in the British political scenario. Britain was supposed to withdraw from the European Union by the end of March, but could not reach a deal and so was given an extension till October. It now remains to be seen who will take charge of the Prime Ministership of Britain and the steering of the Brexit deal. That's all we have in international news today. तो आज के लिए फिलहाल इतना ही. हमारे खबरों को विस्तार से जानने के लिए क्लिक कीजिए newsclick.in पर, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. Thank you for watching.